तो ये है पार्ट टू का हिस्सा। अगर आपने अब तक पार्ट टू नहीं देखा है तो यहाँ राइट साइड में आई बटन पर जाके चेक करें। और आज के व्लॉग में हम लोग ये भी कवर करने वाले हैं कि कोहिनूर जो इंडिया का एक बहुत ही नायाब हीरा था, उसे इंडिया कैसे वापस लाएगी। तो इस व्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहें। वेलकम टू पार्ट थ्री ऑफ वास्तु संग्रहालय। यहाँ पे आज हम आए हैं एक्सपेंशन बिल्डिंग की ओर। एक्सपेंशन बिल्डिंग में आपको ये एरिया और इसके ऊपर वाला एरिया को कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते वीडियो में आगे। आई होप आपने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट जो है वो पूरा देख लें। ये पूरे पार्ट में जो बेस्ट पार्ट मेरे को लगा, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है, तो ये तो एग्जीबिशन देख रहे हैं, स्पेशल एग्जीबिशन। इसमें एसी चल रहे हैं, तो चलते हैं एसी का हवा खाने। लेकिन इससे कई ज़्यादा ठंडा तो स्नो किंगडम में था। अरे आपने स्नो किंगडम का व्लॉग अब तक नहीं देखा, तुरंत जाके चेक करें, ये आई बटन पर दिख रहा होगा आपको। पर उससे पहले ये व्लॉग पूरा देखें। यूं ही पेंटिंग देखते देखते हम लोग की नज़र पड़ी अपने काम की चीज़ पर, मनी गैलरी। तो चलते हैं अपनी मतलब की चीज़ देखने के लिए, जो कि एक दूसरे रूम पे। वैसे अभी यहाँ पे तो साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पर आप जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये शायद बन के रेडी होगा। यहाँ पर आपको बहुत पुराने पुराने सिक्के मिल जाएंगे, तो अगर आपको कॉइन कलेक्शन का शौक है तो आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपके कलेक्शन से कई ज़्यादा सिक्के पड़े हुए हैं। और ये है पूरा इंडियन करेंसी का इतिहास। यहाँ पर मुगलों से लेकर ब्रिटिशर्स ने जब तक राज किया, ये उनके कॉइन्स है। और ये हमारा इंडियन करेंसी, ये 2000 में बन के रेडी हुआ, और इसको कहते हैं हम लोग चेंजिंग फेसेस ऑफ कॉइन्स। पहले का सिक्का था, यहाँ पे लिखा हुआ स्टेट एंड फेथ, बस फेथ है, पैसा तो आते जाते रहते हैं। चल झूठा। वैसे पहले के ज़माने में इतने छोटे कॉइन्स भी हुआ करते थे कि आपको डर नहीं लगेगा कि आपके बच्चे अगर निगल लेते हैं तो, क्योंकि ये गले में फंसेगा नहीं, ये सीधे अगले दिन बाहर आ जाएगा। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। और ये सब जो कॉइन्स आप देख रहे हो, ये आपके दादा परदादा परदादा कमाया करते थे। और तो और यहाँ पर आज के ज़माने के भी सिक्के रखे हुए हैं। अब तक तो हमने सारा करेंसी देख लिया, ये आपको दिखाते हैं सबसे मेन करेंसी। ये करेंसी का फ़ायदा बहुत है, जिसके पास जो करेंसी रहते हैं इसको निकाल के रखो, जितना करेंसी उसके पास है वो आपके पास आ जाएगा। और ये जगह है पूरे वर्ल्ड की करेंसी का। यहाँ पे जितनी भी करेंसी आप देख रहे हो क्या क्या हिस्ट्री है वो आपको देखने को मिलेगा, और वो करेंसी दिखता कैसे था वो आप भी देख सकते हो। बैंक ऑफ मॉरिशियस, उसका हिस्ट्री खुद पलट के देख सकते हो आप लोग, पर उसके लिए आप ये म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट करना। और अब बढ़ते अपने इंडियन करेंसी की तरफ। 5 रुपये, जो एक ज़माने में 5 रुपये में 10 गोलगप्पे आते थे, पर अब 5 रुपये में कुछ नहीं आता है। तो इसका भी हिस्ट्री आप देखोगे। ये सारा चाहे तो वीडियो पॉज करके ये पूरा आप हिस्ट्री पढ़ भी सकते हो। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आपने करेंटली जो 200 रुपये चल रहा है वो तो देखा ही होगा, आइए आपको वो स्क्रीन पे दिखाते हैं। कहा जाता है कि इंडिया में कुल 8% गोल्ड है, जो कि अप्रॉक्स 789 टन है टोटल। और इंडिया में आपको पता है गोल्ड किसके पास रहते हैं, अपनी भारतीय नारी के पास। गोल्ड ऐसे बिस्किट भी नहीं रहते, गोल्ड का जो एक्चुअल फॉर्म है वो कुछ ऐसा है।
तो जैसे आपने मनी गैलरी में देखा कि जितने भी पुराने कॉइन्स थे जो अब तक यूज़ होते आ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आपको सारे ज्वेलरी देखने को मिल जाएंगे जो पुराने समय में लोग इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर आपको तांबे से लेके सोना का हर तरह का ज्वेलरी देखने को मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे हुआ करते थे पुराने ज़माने के कारीगर जो ऐसे ज्वेलरी बनाया करते थे, और ये रहा उनका बनाने का पूरा तरीका। ज्वेलरी की बात हो रही हो और हीरों का जिक्र ना हो, ये हो सकता है क्या? तो ये सब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी हीरे हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं उनका एक रेप्लिका है, क्योंकि अगर वो असली रखने जाएंगे तो बहुत करोड़ों का ये म्यूज़ियम हो जाएगा और काफ़ी हाई सिक्योरिटी रहेगी। जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम लोग कोहिनूर का बात ज़रूर करेंगे। कोहिनूर है वो ब्रिटिशर्स अपने कंट्री में 1849 में लेके गए थे। जो असली कोहिनूर है वो टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा गया। और अभी उड़ती उड़ती खबर ये भी है कि मोदी सरकार कोहिनूर को इंडिया वापस लेके आएगी। तो आपको क्या लगता है कि कोहिनूर वापस आएगा या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अब बारी आती है कुछ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और पेंटिंग्स की, जिसकी लोग करोड़ों में बोलियां लगाते हैं और अपने घर पे लेके जाते हैं। तो अगर आपका मन कभी भी हुआ हो कि अंबानी के घर जाएं और देखें कि उनके घर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके घर पे नहीं है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे जो भी चीज़ आप देख रहे हो उससे कई कीमती चीज़ उनके घर पे पड़े रहती है। और ये है ज़ारा का अपकमिंग समर कलेक्शन, जिसकी कीमत स्टार्ट होती है सिर्फ और सिर्फ 20,000 से। तो चंद पल अमीरों वाली लाइफस्टाइल देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर। ये जो आप एक बड़ा सा टनल देख रहे हो उसमें काफ़ी पुराने राज दफन है। राज से मेरा मतलब पेंटिंग से। यहाँ पर आप इंडिया के या बाहर के कई बड़े बड़े आर्टिस्ट के पेंटिंग देख सकते हो। वैसे एक और बात, अगर आप इस टनल में आते हो तो आप मेरे पार्ट 3 वाले ब्लॉग से डायरेक्टली पार्ट 1 के ब्लॉग में आ सकते हो। और अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो आपको पता है कि ये पार्ट 1 का ब्लॉग कहाँ देखना है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड फ्लोर पे, जो कि है इंडियन टेक्सटाइल एंड कॉस्ट्यूम गैलरी। तो फटाफट दौड़ के चलते हैं इंडियन टेक्सटाइल गैलरी की ओर। यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि राइट जाए कि लेफ्ट जाए, आपको एरो खुद गाइड कर देगी। बड़े बड़े शहरों में बच्चे काफी ज्यादा इंग्लिश में बात करते हैं और अपनी हिंदी की संस्कृति भूल रहे हैं। आपने बच्चे को हिंदी ज़रूर सिखाना, ऐसे नहीं कि इंग्लिश में बोले जा रहे इंडिया का घंटा नहीं। तो अब तक आपने व्लॉग में देख लिया कि लोग पुराने समय में क्या करेंसी यूज़ करते थे, कैसी ज्वेलरी पहनते थे और कैसी पेंटिंग्स अपने घरों में रखा करते थे। पर ये सबसे ज़रूरी ये भी है कि अपने शरीर को ढकना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लोग पुराने समय में कैसे कपड़े पहना करते थे। यहाँ पर बच्चे से लेके बूढ़े तक, औरत से लेके आदमी तक, सबके कपड़े देखने में मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से बनता था उस समय का कपड़ा। वैसे ये टेक्निक आज भी यूज की जाती है जहाँ पर लोग हैंड स्टिच्ड कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा कि दुनिया भर की औरतें क्या पहना करती हैं, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। तो जैसे हम यहाँ से निकलते हैं वहाँ पे हमारी मुलाकात होती है बापू से। तो बापू को नमस्ते करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं जहांगीर गैलरी की ओर।
इस गैलरी में भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का सिलसिला यूं ही जारी रहा। वैसे देसी लोग इसे कुछो पेंटिंग भी कहते हैं, मतलब कुछो बना दिए। अब ये देखने वाले पे कि वो इसे नदी समझे या नाला, जीजा समझे या साला। एक गुप्त ज्ञान, अगर आप जब भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखो और अगर आपके आसपास में बहुत लोग खड़े हैं तो आप उस पेंटिंग को देख के 2-3 बार मुंडी ऊपर नीचे करना। ऐसे लोगों में इमेज आता है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो बस यही तक था हमारा वास्तु संग्रहालय का पूरा सफ़र। आई होप आपको पार्ट 3 पसंद आया। तो ये था लास्ट पार्ट वास्तु संग्रहालय का। अगर आपको पूरा पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।